हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीनीएबाई में आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है तो वो आप कैसे मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, मोबाइल नंबर चेंज करने का ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होता है जब उनका मोबाइल नंबर गुम हो जाता है या फिर फ़ोन चोरी हो जाता है, तो उनको जो है फिर से अकाउंट को लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर को चेंज करना पड़ता है। और उसी के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल नंबर को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ से आपको ये वाला फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है। हालांकि ये मेरा वर्ड में खुल रहा है तो ये वर्ड की तरह दिखेगा, हालांकि ये एक फॉर्म है जो कि मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पे ये जो फॉर्म है ये आपका मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए ये फॉर्म पीनीएबाई की तरफ से यहाँ पर अपलोड किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि माई प्राइमरी मोबाइल नंबर यहाँ पर वो डालना है और यहाँ पर बाकी कुछ डिटेल भी आपको डालना होता है, आपका सिग्नेचर, शॉप नेम और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट भी लगते हैं। इसके साथ में आपको क्या क्या चीज़ें लगेगी वो सब मैं बताऊंगा। पहले तो आपको इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको फिल कर देना है और फिल करने के बाद आपको इसमें कुछ डॉक्यूमेंट भी अटैच करना है, वो भी सिग्नेचर के साथ अटैच करना है। जैसे आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, इनको आप जैसे आपका पैन कार्ड का जीरोक्स हो गया, आधार कार्ड का जीरोक्स हो गया, उस पर आपको सिग्नेचर भी करना है दोनों पे और इस फॉर्म को अटैच करके। उसके बाद आप अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर या आरएम से भी मदद ले सकते हैं। इसके बाद आपको ये जो फॉर्म है ये आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देना होता है, आप उनको दे सकते हैं या फिर उनको मेल भी कर सकते हैं। उसके बाद वो अपने आरएम को देंगे और उसके बाद इसमें कुछ दिन का प्रोसेस लगता है, करीब 7 से 8 दिन में हो जाता है अगर डिस्ट्रीब्यूटर आरएम आगे सेंड कर दे तो। अगर नहीं सेंड करेंगे तो काफ़ी दिन लग सकता है। बाकी यहाँ पे आपका जो भी डिटेल है वो सब डालना है। ये सब डालने के बाद आपका पहले का मोबाइल नंबर, नवा मोबाइल नंबर और यहाँ पे आप कौन से डॉक्यूमेंट को अटैच कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आधार हो गया, यहाँ पे पैन कार्ड हो गया, उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर करना है, डिस्ट्रीब्यूटर भी सिग्नेचर करेगा, ये सब आगे प्रोसेस जाता है। उसके बाद यहाँ पे इसमें आपको एक और चीज़ जो कि ऐड करना होता है वो होता है ई स्टाम्प पेपर, जो कि आपको 100 रुपये का ई स्टाम्प जो कि आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं या फिर ऑफलाइन से भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ई स्टाम्प पेपर भी लगाना होता है 100 रुपये का और उसको भी इसी में अटैच करना होता है। ये जो आपका रिटेलर वाला ये जो फॉर्म है ये आपको डाउनलोड करना होता है और उसके बाद उसमें आपको ये स्टाम्प पेपर और ये फॉर्म को फिल करना होता है। साथ में आप जो भी अपने KYC डॉक्यूमेंट को दे रहे हैं उसको अटैच करके ये सब फॉर्म को अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजना है। डिस्ट्रीब्यूटर अपने आरएम को भेजेगा और उसके बाद वहाँ से आरएम हेड को भेजेगा, वहाँ से आपका जो किया ये पूरा प्रोसेस है मोबाइल नंबर चेंज करने का वहाँ से चालू होगा और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। सेम चीज़ यही डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी आता है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आपका भी नंबर जो कि चेंज करना है या फिर किसी भी रीजन से चेंज करना है तो सेम प्रोसेस आपके लिए भी यही है। इसमें उसमें भी आपको 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लगता है और इसमें भी आपका 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लगता है, साथ में यही वाला जो आपको है फॉर्म भी लगता है जो मैंने अभी यहाँ पर डाउनलोड करके दिखाया। और बाकी सब फिल करके डॉक्यूमेंट भी आपको अटैच करना है, उसके बाद अपने डिस्ट्रीब्यूटर आरएम को देंगे, उसके बाद आपका ये मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा।